हेलो एवरीवन, हम लेसन वन हेलो रेन के आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यहाँ देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रेन कोट से टू मुन्नी। व्हाट डिड द रेन कोट से टू मुन्नी। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए लेसन में ही चलेंगे, पोयम में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। व्हाट डिड द रेन कोट से टू मुन्नी, यानी कि रेन कोट ने मुन्नी को क्या कहा। रेन कोट क्या होता है? बरसाती। बरसाती ने मुन्नी को क्या कहा? तो चलिए पोएम में देखते हैं। ये यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, हाउ विल आई गो टू स्कूल, इट इज़ सो वेट बू हू एंड हियर इज वियर मी सेज द रेन कोट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, वियर मी सेज द रेन कोट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रेन कोट से सेड टू मुन्नी वियर मी, या हम वियर मी भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा छोटा हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल थिंग्स मुन्नी यूज्ड व्हेन शी वेंट आउट। तो यहाँ पर इसकी हिंदी क्या बनेगी, नेम ऑल थिंग्स, उन सभी चीज़ों का नाम लिखो मुन्नी यूज्ड, जो मुन्नी ने यूज़ की व्हेन शी वेंट आउट, जब वह बाहर गई। तो उसने क्या क्या यूज़ किया था, इसके लिए भी हम पोयम में ही देखेंगे। ये यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में देखना, लिखा गया है आई शैल वियर माई रेन कोट, आई शैल होल्ड माई अम्ब्रेला सेज मुनी। तो इसका मतलब मुनी ने क्या क्या यूज़ किया था, रेन कोट एंड अम्ब्रेला। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, मुनी यूज्ड रेन कोट एंड अम्ब्रेला व्हेन शी वेंट आउट। या अगर हमें आंसर छोटा करना है तो हम बस रेनकोट एंड अम्ब्रेला भी लिख सकते हैं, इससे हमारा आंसर छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मुन्नी से टू द रेन एट द एंड। अंत में मुन्नी ने बारिश को क्या कहा, तो जो अंत में है मुन्नी ने बारिश को क्या कहा था, ये भी हम पोयम में देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए हमें यहाँ पर हेलो रेन हेयर आई कम ये वाली लाइन ऐसे कैसे लिखनी है। तो मुन्नी ने बारिश को क्या कहा था, हेलो रेन हेयर आई कम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉज मुन्नी हैप्पी और सैड इन द बिगिनिंग। शुरुआत में मुन्नी खुश थी या उदास थी, तो शुरुआत में तो मुन्नी बहुत उदास थी, है ना। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इन द बिगिनिंग मुनी वॉज सैड। अब हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को एक बार फिर से लर्न करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड रेनकोट से टू मुन्नी, रेनकोट ने मुन्नी को क्या कहा। आंसर, इट सेड, इसने कहा, यानी कि रेनकोट ने कहा वियर मी, इट सेड वियर मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑल थिंग्स मुन्नी यूज्ड व्हेन शी वेंट आउट। उन सभी चीज़ों के नाम लिखो जो मुन्नी ने प्रयोग की व्हेन शी वेंट आउट, जब वह बाहर गई। तो उसने क्या क्या यूज़ किया था, रेनकोट एंड अम्ब्रेला। क्या क्या यूज़ किया था, रेनकोट एंड अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड मुन्नी से टू द रेन एट द एंड। अंत में मुन्नी ने बारिश को क्या कहा था, सी सेड हेलो रेन हेयर आई कम, सी सेड हेलो रेन हेयर आई कम। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज मुन्नी हैप्पी और सैड इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग क्या होती है, शुरुआत में। शुरुआत में मुन्नी हैप्पी खुश थी या सैड उदास थी, तो इन द बिगनिंग मुन्नी वॉज सैड, इन द बिगनिंग मुन्नी वॉज सैड।